हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, आज आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में लेसन 11, 12, 13 की रीडिंग करने जा रहे हैं. ओके, लेसन 11 में देखिए बच्चों, यूज ऑफ इज, एम एंड आर. ठीक है बच्चों, इज, एम, 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 आर का प्रयोग. ठीक है, ये आपको बताना है कैसे कहां पर प्रयोग होता है. इज, आर तथा एम का प्रयोग केवल प्रेजेंट टेंस में ही होता है. ठीक है बच्चों, देखिए हम जानते हैं कि इस का प्रयोग केवल कहां पर होता है, सिंगुलर के लिए, यानी एक वचन में इस का प्रयोग होता है. ठीक है, और आर का प्रयोग जो होता है वो बहुवचन के लिए होता है, और बच्चों एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है. ठीक है, देखिए आई एम अ टीचर, ठीक, मैं एक अध्यापक हूँ. यू आर बॉय, ठीक, तुम लड़के हो. शी इज नर्स. ठीक है बच्चों, समझ में आपको कि इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है. ठीक, अब देखिए अगर हमें निगेटिव बनाना होता है तो हम जो ये हेल्पिंग वर्ब है एम, आर, इज, इसके बाद नॉट लगा देते हैं. ठीक है, देखिए आई एम नॉट अ फार्मर, यू आर नॉट अ डॉक्टर, शी इज नॉट अ पायलट. ठीक है, ओके बच्चों. अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें जो ये हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम, इसको हम पहले लगा देते हैं, यानी सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले. तो इज शी अ सिंगर, ठीक है, इंट्रोगेटिव में हमारा जो होता है पहले क्या आता है, क्या वे एक गायिका है. ठीक, एम आई अ प्लेयर, क्या मैं एक खिलाड़ी हूँ. आर वी टीचर, क्या हम अध्यापक हैं. ओके बच्चों, समझ में आया आपको. ठीक, चलिए देखिए एक्सरसाइज इसी की कि देखिए लिखा रवि इज प्लेइंग, यू आर अ गुड बॉय, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, और आर दे सिंगिंग. ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों लेसन 12, इसमें आपको हम बताएंगे यूज ऑफ वाज एंड वर, है ना, कि अब वाज और वर का प्रयोग कहां पर होता है. तो आपको पता है कि जो वाज वर का प्रयोग है वो हम पास्ट टेंस में करते हैं. ठीक है, अब देखिए जो सिंगुलर नंबर के लिए वाज का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर के लिए हम वर का यूज करते हैं. ठीक है बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, देखिए सिंपल सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में रमेश वाज अ स्टूडेंट, आई वाज अ कैप्टन, दे वर मेसोंस, और ही वाज अ टीचर. ठीक है, अब इसी तरीके बच्चों जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में बताया था कि इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. अब देखिए इसमें निगेटिव, राधा वाज नॉट अ नर्स, वी वर नॉट राइटर्स, ही इज नॉट अ पोएट, दे वर नॉट स्टूडेंट. ठीक, इसी तरह इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वही काम हम करते हैं कि वाज और वर को पहले लिख देते हैं. वाज रामल टेलर, वर ही वी टीचर्स, वर दे डॉक्टर, और वाज अ मिनिस्टर, वाज ही अ मिनिस्टर. ओके बच्चों, ठीक, अब देखिए बच्चों वाज वर में आपको यहाँ पर फिल करना है, आप कैसे करेंगे. फ्लावर्स प्लूरल है तो वर का यूज, गर्ल्स प्लूरल है वर का, दे प्लूरल है तो वर, और महेश सिंगुलर है इसलिए वाज, आई के साथ वाज का यूज होता है. ठीक है, ओके बच्चों, वाज वर का यूज आपको समझ में आ गया. लेसन 13 देखिए बच्चों, यूज ऑफ हैज हैव, अब हम बताएंगे आपको यूज ऑफ हैज हैव. हैज हैव का मतलब होता है पास में, या रखता हूँ या रखते हो का प्रयोग है. ठीक है बच्चों, जैसे देखिए और जो ये हमारा सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, और जहाँ प्लूरल होता है वहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे. ठीक है, अब देखिए वह किताब रखता है, यानी उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक. ठीक है, और अगर ये होता कि वे किताब रखते हैं तो हम कहते हैं दे हैव अ बुक. यूज ऑफ हैज नॉट, नॉट लगाने के लिए वही होता हैज के बाद हम नॉट लगा देते हैं. शी हैज नॉट अ कैट. ठीक है, हैव, यूज ऑफ हैव में देखिए, देखिए आई हैव अ कंप्यूटर, दे हैव पेंस. ठीक है बच्चों, अगर इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो दे, आई हैव नॉट अ कंप्यूटर, दे हैव नॉट पेंस. ठीक है ना बच्चों, ठीक. अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपका आता है, आई हैव अ बुक, ही हैज अ पेन, दे हैव पेंस,
यू हैव अ बुक्स. अब देखिए वी हैव 5 मैंगोज, ठीक है, और शी हैज अ कैप. ओके बच्चों, लेसन समझ में आया आपको? अब आप अच्छे से 11, 12, 13 पढ़ लीजिएगा. ओके.